वही है कि मुझे टनल के बाद बिग बॉस भी भेज सकते थे, वेरी हैप्पी। और लोगों को टनल तक छोड़ के आने में मेरी जितना योगदान मुझे जितना था, जितना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैंस का था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल। इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हैं, बहुत बहुत नसीब वाला है। हमेशा कोई भी ऐसा मोमेंट होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, मैं हमेशा फील करता हूँ कि काश वो लोग होते और वो देखते, और चीज़ों से गुजरना पड़ता है। माँ की दुआएं मुझे हमेशा लगती है, माँ और बाप की दुआएं मेरे साथ है। तो शायद स्टेज पे कहना चाहता था बट कह नहीं पाया, बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए, तू साथ ना माँ, पर साथ तेरा साया था। इतना मशहूर और कितना ही कमाया था, वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज का इनका ताज छीनने आया था। किस तरह से देखते हो, बट आप चीज़ें गेम थी अप डाउन, इंडस्ट्री से काफी लोग ने आपको सपोर्ट किया, सेलिब्रिटी भाई, मैं जैसे बोलना चाहूँगा गेम ऊपर नीचे होना, वाइल्ड कार्ड का आना, मैं अपने जब काम का अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद को देता हूँ, तो मैं अपने फेलियर का भी कभी भी किसी और को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराता। मैं हमेशा अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ, और जो अंदर मेरे साथ हो रहा था, अगर मेरे कर्म की वजह से हो रहा था, तो बाहर ये जो कुछ हो रहा था वो भी मेरे कर्म की वजह से हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इंसान इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी प्राइवेट चीज़ें और पर्सनल चीज़ें आती हैं, आप उसके लिए रेडी नहीं हो गए हो, बट कहीं ना कहीं मुझे जो सपोर्ट और प्यार मिला है वो जानते हैं मुझे, और उन्होंने हमेशा मुझे अभिषेक और बनारस दोस्ती रहेगी आगे जाके, बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, अभिषेक और बनारस दोस्ती हमेशा रहेगी, गीता से भी रहेगी। घर है बिग बॉस का घर, बहुत सारे इमोशन से आप गुजरते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब फील करूँगा, वहाँ बहुत सारे इमोशन थे, और खास करके दोस्ती को लेकर आपको एक वक्त किसी से नाराजगी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कम बात करना या कभी झगड़ों की वजह से, और बहुत सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं, तो आपस में दोस्तों में वो रंजिशें आना लाजिम है, बट एट दी एंड आपको रियलाइज होता है कि जो